यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर कई संशय थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी इस लेकर स्थिति साफ कर दी है। सीएम ने साफ कहा है कि वो अगला विधानसभा चुनाव भी करनाल से ही लड़ेंगे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई चर्चाएं थी। सीएम के गुरुग्राम से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। विपक्ष भी लगातार सीएम की ओर से करनाल की अनदेखी के मुद्दे को उठाकर उनके विधानसभा क्षेत्र के बदलने की बात कह रहा था, लेकिन अब सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर स्थिति साफ कर दी है। रोहतक में रोड शो के दौरान सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा है कि वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र यानी करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो मीडिया के जरिए उनके विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। तो चलिए आप भी सुनिए सीएम ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा। कि मैंने तो स्पष्ट वही किया कि जहां भी मैं जाकर के इस प्रकार का रोड शो करता हूं तो आप लोग अखबार में लिख देते हैं शायद अपनी कंस्टिट्यूएंसी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे कंस्टिट्यूएंसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरी कंस्टिट्यूएंसी तय है, लेकिन मुझे हरियाणा के अंदर पूरे में भारतीय जनता पार्टी के नाते से चुनाव लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नाते चुनाव लड़ना है तो हर एक शहरों में इस प्रकार के रोड शो होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। जैसा मैं पहले पूरा राउंड लेता रहा हूँ हरियाणा का, इन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी 90 विधानसभा सीटों का मैं कार्यक्रम बनाऊंगा। स्वाभाविक है कि एक बार जहाँ से चुनाव लड़ा जाता है तो वहीं से चुनाव लड़ने का एक स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। अगर कोई बात ऐसी मन में हो कि वहाँ से छोड़ना होता तब तो मैं कहूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने जिस विषय को उठाया है मैं उसी का जवाब दिया, किसी और का जवाब नहीं दिया, और वो उठाया आप लोगों से विपक्षी मित्रों ने, तो एक प्रकार से आपके माध्यम से उसी विपक्ष को, विपक्ष ने आपके माध्यम से हमें पूछा, हमने आपके माध्यम से विपक्ष को बताया। तो सुना आपने, सीएम मनोहर लाल ने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर चल रही चर्चाओं की स्थिति साफ कर दी है। खैर, ये तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा कि सीएम मनोहर लाल करनाल से ही चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी और स्थान से। खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट। तो विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जिस तरह से जगह जगह जाकर रोड शो कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या इनेलो की बात हो, सब विपक्षी दोनों पार्टियों की ओर से इसी तरह की बात कही गई कि मुख्यमंत्री अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं और इसीलिए जगह जगह जाकर लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं कि अगला चुनाव अब कहां से लड़ा जाए, यानी मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह की बातें जो है वो विपक्ष की ओर से कही जा रही थी और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव भी वो करनाल से ही लड़ेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, जहां से पहले चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ूंगा, अब जब तक की कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं हो जाती है कि सीट छोड़नी पड़े, यानी कि मुख्यमंत्री करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा करने में पीएचडी हूं, लोग कहते हैं कि पूर्व सीएम जो भी आया अपने एरिया का विकास कराया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री इस दौरान यहां पर नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा और विधायक भी चुने गए यानी जीते भी, और इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि यहीं से वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही कहा कि करनाल की जनता ने 85 में से 65,000 वोट देकर उन्हें विजयी बनवाया और इसीलिए सीट बदलने का सवाल ही नहीं है। और यहां पर पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के चारों तरफ बाईपास निकालकर और किसानों की जमीन लेकर चहेतों को सौंप देने जैसा विकास कार्य हम नहीं करेंगे। साथ ही शहर के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए था पूर्व की सरकारों को जिन्होंने इस तरह का विकास काम किया। उन्होंने कहा कि यह बात एकदम सही है कि वो पहली बार चुनाव लड़े और विधायक भी चुने गए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी। और हमारे साथ इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी जी, धन्यवाद मैडम। शास्त्री जी, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि करनाल से ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की ओर से अफवाह फैलाई जा रही थी चुनाव लड़ने को लेकर। ये तो ठीक है, मुख्यमंत्री या किसी और पार्टी के पदाधिकारी ने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो ये तो विपक्ष का एक अपना चर्चा का विषय था, उनकी समाप्ति होगी मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद में। और मुख्यमंत्री तो पूरे हरियाणा का होता है, 90 विधानसभा सीटें हैं,
जिस प्रकार से उन्होंने 90 विधानसभाओं को जाकर दौरे करके और जिस प्रकार से विकास के जो काम किए हैं वो तो स्वाभाविक है कि कहीं भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, इतना सक्षम तो है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी फोन लाइन पर है। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। हुड्डा साहब, जिस तरह से सत्यव्रत शास्त्री जी को भी आपने सुना और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी ये बात कही कि 90 विधानसभा सीट है और इसीलिए 90 की 90 विधानसभा सीटों पर वो गए हैं, लेकिन विपक्ष को इसे लेकर जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं कि अगला चुनाव कहां से लड़ा जाए, तो अफवाह फैलाई जा रही थी विपक्ष की ओर से। देखिए, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, इनको करनाल में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी फरीदाबाद में भागते हैं, कभी गुड़गांव में भागते हैं, कभी रोहतक में भागते हैं, और हालत आज अकेले इनकी नहीं, पूरी पार्टी की हालत यह है कि इनका इस बार जो 2019 का चुनाव है इसमें इनका स्कोर जीरो होगा। एक भी आदमी इनका चुनाव नहीं जीतेगा। हाँ। और इनको इनको ना तो शहरों में घुसने देंगे लोग, ना गांव में घुसने देंगे। इनके साथ वो दुर्गति करेंगे जो इन्होंने 4 साल में जो गलत काम किए हैं, जिस प्रकार से लोगों को। लेकिन साहब, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं करनाल में और इसीलिए अपनी सीट बदलना चाहते हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सीट बदलने का सवाल ही नहीं है, विपक्ष की ओर से अफवाह है, मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा फिर से। 100% वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं इस समय करनाल में ही हूँ और वो इस समय जमीन तलाश रहे हैं, जहाँ जिस फौज का सरदार ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो फौज कहाँ लड़ेगी। आज हालत उनकी इतनी खराब है कि आने वाले चुनाव में एक सीट भी वो नहीं जीत पाएंगे, कहीं से भी नहीं जीत पाएंगे। हमारे साथ नेता प्रवक्ता रवि ढुल जी फोनलाइन पर हैं। स्वागत है आपका ढुल साहब, खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद ढुल साहब। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हालांकि आज साफ कर दिया है कि करनाल से ही वो अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा को आपने सुना, उनकी ओर से अभी भी कहा जा रहा है कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं करनाल में और इसीलिए वो सीट बदलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि इनेलो की तरफ से भी कहा गया कि मुख्यमंत्री अपनी जमीन तलाशते फिर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ कि जहाँ पर आग होती है धुआं वहीं उठता है। मुख्यमंत्री पिछले एक साल से लगातार कोई ना कोई विधानसभा सीट तलाश रहे हैं, कभी इनका नाम पंचकुला, कभी गुड़गांव, कभी रोहतक, कभी करनाल जुड़ता रहता है। तो अब जाकर के सारे हरियाणा में घूमने के बाद में इन्हें लगता है कि शायद जो है करनाल में हल्की फुल्की ये कोशिश कर सकते हैं मुकाबले में रहने के लिए, इसके अलावा इनके पास में मुकाबला करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए अंततः इन्होंने जाकर के ये कह दिया कि मैं करनाल से इलेक्शन लड़ूंगा, वरना हमने देखा था हांसी का भी नाम आया है कि कोई एक विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री का नाम नहीं जुड़ रहा, हर जगह अर्बन सीट जहां भी जाती है वहां पर ही भारतीय भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जाता है और मीडिया के द्वारा हमें पता लगता रहता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वहां पर जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्यों मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं हर बार नाम यही जुड़ता है कि मुख्यमंत्री अपने लिए यहां पर जमीन जो है वो तलाशने आए हैं, यहां से शायद इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ये बड़ी स्पष्ट बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या वो पूर्ववर्ती और मुख्यमंत्री हो, सबने जमीन तलाशी और जमीन तलाशी जाती है खरीदने के लिए, वोट के लिए जमीन नहीं तलाशी जाती है। वोट के लिए तो कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पास हर विधानसभा में है। ये जो जमीनों की बार बार चर्चा आ रही है, इनके जमीनों की वो लालसा और लारे टपक रही है, जिस पर पिछले 10 साल में जिस प्रकार हुड्डा ने जगह जगह जा जा के देख के अब भाई ये जमीन अच्छी है कि ये जमीन अच्छी है, जिस प्रकार से लूट कसूट हरियाणा ने मचाई थी, वो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी प्रकार की चर्चा करेंगे। मैं आपको आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, कृष्णमूर्ति जी आप सुनिए, आप टॉपिक से आओ ना, आप तो बातें कर रहे हो, मैं सही बात करो ना, खाता खुल जाए तो मुझे बता दो, आपका आपका नाम निशान खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो नाम निशान खत्म हो जाएगा, करते नेहरू गया जी। मुख्यमंत्री ने सवाल किया है पूर्व मुख्यमंत्री से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्री जो आते थे वो महज अपने ही एरिया का जो है विकास कराते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इस बार के यानी मनोहर लाल खट्टर, वो हर क्षेत्र को बराबर से देख रहे हैं। देख रहे हैं बराबर से, किया है क्या इन्होंने? जवाब ही नहीं है, क्या किया इन्होंने बताइए, एक काम बताइएगा, हमने ये काम किया है, एक काम नहीं बता पा रहे हैं, ये बात इतना बड़ा घोटाला हो गया नौकरियों में, उसको उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इनके लोग फंस रहे हैं, उसमें नौकरियों के मामले में जो घोटाला हुआ है उसमें इनके लोग फंस रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? कमरा बन रहा है, आपको पता तो है किसी बात का? अरे आपको लोग छोड़ेंगे नहीं,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जनता की सेवा करने में वो पीएचडी हैं, जनता की सेवा करने का 40 साल का अनुभव उनका है, जनता की सेवा करने में वो पीएचडी हैं और इसीलिए उन्हें पूरा यकीन है कि करनाल की जनता फिर से उन्हें जताएगी। और साथ ही उन्होंने महज अपने क्षेत्र का नहीं, महज करनाल का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का जो है वो बराबर विकास करवाया है। देखिए यही इस प्रकार की बात इसलिए कहते हैं, यदि आप करनाल के अंदर भी घूमेंगे ना, करनाल के अंदर भी कोई विकास नहीं हुआ। ये इस प्रकार की बातें तभी कहते हैं कि लोगों को बरगलाया जाए कि मैंने करनाल से बाहर भी विकास करा है। ये कोई से कोई तो ऐसी जगह होगी इनके पास में जो कोई तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, अरे एक दिन करनाल में रुके नहीं है, एक दिन नहीं एक रात नहीं रुक पाए करनाल में, एक रात नहीं रुक पाए करनाल में, चक्कर लगता है। मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कोई विशेष काम नहीं करवाया विकास का, इसीलिए अब उसको उस पर जो है कोई सवाल ना उठाए, इसीलिए जो है इस तरह की बात अब कही जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए ये कुछ भी करते रहे, इनके कहने से कोई बिल्कुल कतई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बता चुका हूँ, अरे एक रात बता दीजिएगा कि करनाल में रुके हो तो, एक रात भी मैं करनाल में हूँ, एक रात बता दीजिएगा चीफ मिनिस्टर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, आखिर क्या कुछ वजह आपको नजर आती है कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं उनके साथ में नाम जुड़ जाता है कि मुख्यमंत्री अपने लिए जमीन टटोलने के लिए आए हैं? अब एक दो चीज बताएं। कुमार रमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि विपक्ष को इसलिए मुद्दा मिल गया क्योंकि बिल्कुल आवाज आ रही है। जी कुमार रमेश जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए अवंतिका, सबसे बड़ी समझने की जरूरत यह है कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी बात कही गई तो क्यों कही गई, उसमें दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जो रोड शो टाइप की चीज़ें हैं वो चुनाव के आसपास होती हैं और जाहिर तौर पर रोड शो करके सरकारें अपनी जो कार्यकाल का जो लेखा जोखा है वो बयां करती हैं। दरअसल रोड शो ऑर्गेनाइज करने का केवल एक ही मोटिव होता है जो अब तक के अमूमन चुनाव में दिखा है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है और लगभग चुनाव का काफ़ी जो वक्त है अभी दूर है। हरियाणा के विधानसभा जो चुनाव होने हैं वो लगभग सवा साल के बाद है, लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री के रोड शो हैं और जो बाकी दूसरे कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। उनको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री रोड शो के सहारे जो है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर उनको कौन सा वो एरिया सेफ मिलेगा जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वो एरिया स्पेसिफाई हो जाएगा कि बेसिकली वहाँ तो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि करनाल में कोई कई दिनों जब पूर्व में गए भी थे, पीछे भी उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए और वैसे भी, तो वहाँ पे एक आवाज़ उठने लगी कि शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काम से बहुत लोग खुश नहीं हैं, और इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हुए जो है विपक्ष ने हमला बोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अब ज़मीन अपनी तलाश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को आखिरकार रोहतक में रोड शो के दौरान बोलना पड़ा कि दरअसल वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये केवल विपक्ष द्वारा बनाया गया एक प्रोपोगंडा है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो उनको पता है कि उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ना है और वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो करनाल सीट छोड़ने वाले नहीं है और सरकार वो मानते हैं कि सरकार की वापसी हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उनकी 70 से अधिक सीटें आने वाली हैं, ये तो देखिए भविष्य तय करेगा कि सीटें कितनी आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि वो चुनाव अब की करनाल से लड़ेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या यही वजह कांग्रेस को भी नजर आती है कि जो है मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर जो रोड शो कर रहे हैं और इसीलिए जो है कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि शायद वो अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तलाश रहे हैं? देखिए ये तो बड़ा क्लियर है, ये पूरी पार्टी की हालत खराब है। जब मुखिया चुनाव मैदान छोड़ के भाग रहा है तो आम जो एमएलए का क्या होगा? कहां भाग रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट किया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले गुड़गांव से उन्होंने कोशिश किया, गुड़गांव में नगर निगम मंत्री उनकी हालत खराब हुई, तो वहां से भागे। अरे मैं बता रहा हूँ आपका, आपसे चर्चा की थी कि मैं वहाँ मुख्य गुड़गांव से चुनाव लड़ू, नहीं आप कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो, आप बताइए, अपनी बात की पुष्टि कीजिए, आप कैसे कह रहे हो कि गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे और चर्चा कर रहे हो, आपने चर्चा कहाँ से शुरू की? चुनाव में आपकी हस्तक्षेप है, बोलने के लिए आपने माइंड में लिया है, कभी फोन पर देखते हो, कभी लोटर देखते हो, क्यों सुने आप ये सत्यमेश शास्त्री जी, आपकी जीवन शास्त्री जी, ये सवाल आज से ही हो रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, जब भूल भी नहीं मिलती, गांव दौरे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी लगातार विपक्ष की ओर से ये
कहा जा रहा है कि शायद ये जमीन जो है वो तलाश रहे थे, तो फिर ऐसे में इतनी देर क्यों लगाई मुख्यमंत्री ने इस पर चुप्पी तोड़ने में? बताइए ना कैसे करें सत्यवीर शास्त्री आपसे सलाह की थी क्या? छह महीने पहले लोगों के बीच जाए, ऐसा हरियाणा की राजनीति का टेंट बनाया हुआ है। कांग्रेस और सवाल सुनिए, जनता पार्टी पूरी 12 महीने और 24 घंटे काम करके रेलवे में रहती है और उसी नीति से इनको समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी कभी राष्ट्र नहीं करता, कभी आराम नहीं करता, कभी विशेष कार्यक्रम नहीं बनाता, निरंतर काम करते होंगे। आप मुझे बताइए भाजपा के सवाल कोई कार्यक्रम ना रहा हो, समझना पड़ेगा इनको कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन चुनाव जीता उस दिन आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। बताइए शास्त्री साहब, आखिर क्यों मुख्यमंत्री को इतनी देरी हुई इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ने में? क्यों लगातार जब दौरे वो कर रहे थे, जब गुड़गांव के दौरे मुख्यमंत्री के ज्यादा बढ़ गए थे, उसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू किए? अवंतिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह सवाल किसने पैदा किया कि मुख्यमंत्री जी करनाल से नहीं गुड़गांव से लड़ेंगे या फरीदाबाद से लड़ेंगे? मैं बताइए, ये प्रश्न आपने पूछा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि विपक्ष ने पूछा होगा, मीडिया का के माध्यम से पूछा, मैं मीडिया के माध्यम से विपक्ष को उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, अगर मीडिया के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी मिल रही थी कि इस तरह की बातें हो रही हैं, जानकारी का सोर्स बताइए ना, मुख्यमंत्री इस पर बात कर सकते थे? आप ऐसे बात नहीं करते, आप जानकारी का सोर्स बताइए ना, कैसे जानकारी थी वो सोर्स बताइए आप। आप जो स्वयं कहते हैं कि आप विपक्ष का, विपक्ष के प्रश्न है, विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर जिस मर्यादा में दिया जाता है, अवंतिका जी, अवंतिका जी, कुमार रमेश, अवंतिका सत्यव्रत शास्त्री को समझना होगा कि, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी को समझना होगा कि दरअसल ये जो खबरें उठी वो उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। जब अश्विनी चोपड़ा जो करनाल से सांसद, उन्होंने कहा कि शायद मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तभी से बात उठी है। और क्योंकि जब भाजपा के सांसद अपने मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की बात कहें तो विपक्ष तो देखिए लपकेगा ही मुद्दों को, क्योंकि विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए मुद्दे चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री करनाल से हैं और करनाल से उन्होंने चुनाव लड़ना की होगी और काफी हद तक काम भी कराने की कोशिश की और हुए। शास्त्री जी देखिए, ये बिल्कुल विषय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और क्यों कहा और कैसे कहा। दरअसल ये जो है आपके सांसद ने सवाल खड़ा किया और उस सवाल खड़ा होने के बाद जो है विपक्ष ने आप पर तुरंत जो है जवाबी प्रहार शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री शायद वहां तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके 2-3 सांसद ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर रह करके पार्टी की, अगर हम दूसरे शब्द में कहूँ तो, बैंड बजाने पर लगे हुए। अश्विनी चोपड़ा को ले लीजिए आप, कुरुक्षेत्र सांसद ले लीजिए सैनी साहब को, वो दो लोग ऐसे हैं जो सरकार के किसी भी काम से खुश नहीं है और वो खुद चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जीते ना अपने चुनाव में। देखिए, मैं दो बातें बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हरियाणा की राजनीति का एक ट्रेंड रहा है कि लोगों के बीच मात्र 6 महीने बाद जाइए, अपने चेहरे दिखाइए, जनबल के आधार पर, जोड़तोड़ के आधार पर राजनीति करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नरेंद्र भाई मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक अलग से ट्रेंड पैदा किया कि हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, एक भी दिन का रेस्ट का नहीं है। और इसीलिए आपके अवंतिका जी सुन तो लीजिए ना, आप मुझे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई एक दिन छुट्टी का अवकाश गया है, का दिन गया है क्या? वो छुट्टी पर गए हैं क्या? इसलिए आपसे समझना पड़ेगा कि यदि कार्यकर्ता की सक्रियता दिखाई देती है तो लोगों, मेरी बात पूरी होने दो, आप मेरी बात पूरी होने दो, लोगों मुख्यमंत्री की पार्टी की सक्रियता से ये लगता है कि वो चुनाव के नजदीक है। लेकिन मैं आपको पिछला इतिहास याद दिलाना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से चुनाव लड़ा है उस दिन से आज तक कोई कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री जो चुनाव क्षेत्र बदल रहे हैं उस बात के पीछे सोर्स क्या है? तो आप ही के सांसद जो करनाल से हैं, वो खुद ये बात कहते हैं कि शायद मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लड़ना चाहते हैं,
ये तो कलाकारी पत्रकार बंधुओं की होती है ना, वो किस ढंग से प्रश्न पूछते हैं और शास्त्री जी, मैं शास्त्री जी को बताना चाहता हूँ, शास्त्री जी सुनिए, जो मेरे पास आंकड़े हैं मैं उसी के आधार पर बात करता हूँ। शास्त्री जी सुनिए 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 शास्त्री जी, देखिए आपको ज्ञान अधिक है, बिल्कुल आप शास्त्र में महारत हासिल है, लेकिन हम नहीं है, पर दो चीजें समझिए, सुनिए शास्त्री जी सुनिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो जगह अपना पब्लिक रिलेशन का कार्यक्रम बनाया और बाकायदा पब्लिक रिलेशन जो टीम है वो उनकी एक मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठती है और दूसरी पब्लिक रिलेशन टीम जो नई जिसको उन्होंने कई करोड़ रुपए में ठेका दिया वो गुड़गांव में बैठती है। वो दरअसल जब गुड़गांव में कार्य करना शुरू किया और ये खबरें मीडिया में छपी तो उसके बाद से चर्चा शुरू हुई कि अगर मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं अपने जो किए हुए कामों को करनाल से ही उजागर करते, वो गुड़गांव में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो पीआर उन्होंने प्राइवेट अपने तय किए वहां से बात बड़ी शास्त्री जी, और ये कोई कथाकथित बातें नहीं है, ये जो बातें हैं वो वास्तविकता धरातल पर की बातें हैं, इसीलिए बात हो रही है। देखिए आप मनोहर लाल जी के शास्त्री जी अगर बोलने देंगे तभी बोल पाएंगे। शास्त्री जी सुन लेते हैं एक बार ढोल साहब की बात। देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से मैंने शुरुआत में कहा था, यदि मुख्यमंत्री करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी कल ये बताने की मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। मेरे भाई को प्रशंसित तो किया था पत्रकार बंधुओं ने, यदि किसी ने यदि कोई प्रश्न करता है तो इनको जरूरत ही क्या है इस प्रकार की बात करने की, पहली बात ये। और जहाँ तक इनकी पीआर की टीम की है, जैसे कुमार रमेश ने बताया, कैसी बातें करते हैं आप, फिर आप ये कहेंगे कि पत्रकारों के प्रश्न का जवाब नहीं दिए। ये पंचकुला के अंदर भी यही चर्चाएं चलती है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये चुनाव की ये चर्चाएं पैदा की गई है ताकि ये अपना वेट तोल सके, और वेट इनको लग रहा है कि कहीं भी हमारे पास वेट नहीं है। तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए, लेकिन आप निश्चित माप ये मान लीजिए कि आपने हुड्डा साहब की राजनीति देखी है, चौटाला साहब की राजनीति देखी है, आपने भजनलाल की राजनीति देखी है, बंसीलाल की राजनीति देखी है, लेकिन आपने मनोहरलाल खट्टर की राजनीति नहीं देखी। इसलिए जो आप प्रश्न पैदा करते हैं और जो संशय पैदा होता है ऐसा नहीं है। ये किस तरह की राजनीति है क्या जी, विकास कार्य करनाल की बात जो है वो गुड़गांव में जाकर बताएंगे, इसलिए पीआर जो है गुड़गांव में सेटअप किया जा रहा है। आप सुनिए, आपने कभी इस प्रश्न को नहीं उठाया कि मनोहर लाल 90 विधानसभा सीटों पर क्यों जा रहे हैं, क्या मीडिया ने पत्रकारों ने जनता ने, कोटा विधानसभा ऐसा सीट है जिसके ऊपर मनोहर लाल जी नहीं गए और वहाँ विकास, आप बताइए ना, आप मुझे एक भी मुख्यमंत्री का आप द्वारा बताइए जिसने अपने कार्यकाल के दौरान 90 विधानसभा सीटों पर गया हो, बताइए। शास्त्री जी ध्यान से सुने, पहले देखिए आप सत्य सुनने वाले आदमी हैं और शास्त्र आपके पास है, सुने ध्यान से सुने, मैं आपको बताता हूँ कुछ बात। परसों की बात है कि जब अनिल विज जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, मीडिया के लोगों ने आपको पूरा हक है, आप प्रवक्ता हैं, पूरी बात का जवाब दें। शास्त्री जी परसों की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने नीचे फोर्थ फ्लोर पर बैठे हुए थे और 8th फ्लोर पर जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठे हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से पूछा गया कि क्या अगले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, तो इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री बड़े ठहाके लगा के हंसे। इस ठहाके लगा के हंसने का सभी ने क्या अर्थ निकाला, ये कुछ छिपा नहीं है, आपको भी ध्यान होगा कि उसका अर्थ क्या निकाला गया। तो दरअसल आपके मंत्रियों को नहीं विश्वास है कि शायद मनोहर लाल खट्टर कि सरकार दोबारा आ जाए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ना आए, हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल आए, दूसरी पार्टियां भी अपने राजनीतिक सफर जो तय करती हैं वो भी अपने तरीके से करें। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि भाजपा की सरकार ना आए, कांग्रेस की सरकार ना आए, कभी इनेलो की सरकार ना आए, लेकिन दरअसल आपके ही बैठे मंत्री जो है ठहाके लगा के हंसकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद आपकी सरकार नहीं आ रही। तो इसको हमें सबसे पहले आपको मंत्रियों को समझाने की जरूरत है कि कम से कम वो तो कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हमारी सरकार आ रही है, वो खुद नहीं बोलना चाहते कि हमारी सरकार आ रही है, हंसी में डाल देते हैं कि शायद खट्टर की सरकार नहीं है, कि जो शब्द है उन पर लगाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया इनेलो से हमारे साथ रविंद्र ठुल जी जुड़े, बहुत शुक्रिया रविंद्र ठुल जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी, और साथ ही बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ, कुमार रमेश आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने हालांकि यहां साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री
अगला विधानसभा चुनाव करनाल से ही लड़ेंगे। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री जिस तरह से जगह जगह जाकर रोड शो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं कि अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे। लेकिन अब हालांकि मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगला विधानसभा चुनाव भी वो करनाल से ही लड़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।